गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम बात करेंगे फिर आपका जो सेकेंड टॉपिक है, मतलब एपिकल्चर का जो सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया गया था, तो इंट्रोडक्शन में हमने दिखा दिया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और आपके जो इंडिया स्पीसीज कैसे हैं और इनका सोशल अरेंजमेंट कैसा है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो वीडियो है मेरा, आज का जो क्लास है, स्पेशल लगाया गया है लाइफ स्टोरी पे। तो लाइफ स्टोरी को हम देखेंगे कि लाइफ स्टोरी में क्या कह रहा है। तो ये रहा आज का फिगर। तो आप फिगर स्पेशली बनाया गया कि आप अच्छे से इसको समझ सके। तो चलो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमको बता दें कि चैनल पे आप यदि नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो चलते हैं हम टॉपिक को देखते हैं। तो ये रहा आज का मेरा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्यून की। तो क्यून क्या है? क्यून स्पेशली डिप्लॉयड होती है, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर होगा कितना होगा, वो 32 होगा। क्रोमोसोम का नंबर 32 होगा, डिप्लॉयड होंगी। ठीक, आगे ये बात करेंगे ड्रोन की, कि ड्रोन क्या है। ड्रोन हैप्लॉयड होगा, क्रोमोसोम नंबर 16 होगा। आगे चलते हैं वर्कर्स के पास। तो वर्कर्स मेरे पास है, तो वर्कर कैसा है? वर्कर्स हमारा है डिप्लॉयड है और इसमें 32 इसमें भी क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे। देखो ये क्रोमोसोम जो नंबर मेरा बताने का रहा, तो क्रोमोसोम क्या है कि क्रोमोसोम कई बार पूछा गया है कि हनीबी में क्रोमोसोम कितना होता है, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप क्रोमोसोम नंबर यहां से आप हनीबी का दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। देखो अब बात करते हैं पहले नंबर पे कि हमारा कहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से कि जो हमारा क्यून है, क्यून सेल है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्यून सेल है, क्यून सेल क्या करता है, क्यून सेल से हमारी क्यून जब बाहर निकलती है, जब बाहर हनीबी का जो हनी है, हनीबी का स्पेशली जो क्यून है वो जो बाहर निकलती है, तो ये आपके स्काई में मूव करती है, घूमती है या फिर फ्लाइंग करती है, तो उड़ती है, तो उसके साथ हमारा ड्रोन भी उड़ता है। तो हम चले आप रफ निकाल लीजिएगा, नोट्स निकाल लीजिए। तो नोट्स में हम लिखते हैं एक सिंपल सा हेडिंग जिसका सिंपल सा नाम है, लिखिएगा नेपलेशन फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। ठीक, कॉपुलेशन सिक हो गया। तो ये रहा हेडिंग। तो हेडिंग के अंतर्गत आप देखिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो हेडिंग में हमने क्या देखा, हेडिंग में यहां से क्यून की बात किया कि क्यून क्या करेगा, ये बाहर की ओर निकलेगी और उसके साथ साथ ये आपके स्काई में मूव करेगी, फ्लाई करेगी। उसके साथ हमारा ड्रोन भी क्या करेगा, जो इसका ये फीमेल है, ये आपका मेल है, ये फीमेल ये मेल, तो ये जो फीमेल और मेल आपस में क्या करेंगे, जब उड़ेंगे, तो स्पेशली हम जानते हैं कि जो हमारा क्यून होती है, क्यून के अंदर स्पर्म शिशिका होती है, मतलब शुक्राणु कोष होते हैं। शुक्राणु कोष में क्या करते हैं, इसके स्पर्म्स को ये रिसीव कर लेती हैं। क्या करती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर स्पर्म शिशिका होती है, वो क्या करती है, इसके स्पर्म्स को रिसीव कर देती है। तो इसके जो स्पर्म्स के रिसीव करने के बाद इसका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है और इसका पूरा जो सेक्स, मतलब कह ले कि सेक्स ऑर्गन है, वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होने की वजह से शरीर से बाहर चलाता है, और बाहर आने की वजह से जब ये फीमेल के पास जाता है तो फीमेल के अंदर ही इसका रिप्रोडक्शन ऑर्गन रह जाता है, मतलब टूट जाता है या फिर उसी में रह जाता है, और ये दोनों उसी वजह से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। जब ये नीचे आपके लैंड कर जाते हैं आपके लैंड पे, ठीक, लैंड पे जैसे लैंडिंग करते हैं, जब लैंडिंग करने के बाद जो हमारा क्यून है, जो क्यून मक्खी है, वो वापस चली जाती है अपने कहां, सेल के पास, लेकिन जो हमारा स्पेशली ये मेल है, ये लैंड नहीं कर पाता है, लैंड करने के बाद सॉरी फ्लाई नहीं कर पाता, नहीं उड़ पाता। जब नहीं उड़ पाता है तो आपका देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब डेड बॉडी मिल जाएगी। जब डेड बॉडी मिलती है तो जो वर्कर्स होते हैं इसके डेड बॉडी को हटा देते हैं, जिसे पूरा चेम्बर या फिर जो हमारा लैंड्स है वो साफ दिखे। ये रहा पहला, इसको हम हिंदी में कहते हैं वैवाहिक उड़ान और मैथुन एक्टिविटी। ठीक, वैवाहिक उड़ान और मैथुन की क्रियाविधि, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब फर्स्ट टॉपिक को देखा कि फर्स्ट टॉपिक में क्या देखा मैंने, फर्स्ट टॉपिक में ये देखा कि सेल से आपका जो क्यून है वो बाहर निकलेगी, और इस सेल से क्या करेगा हमारा ड्रोन बाहर निकलेगा, और उसकी संख्या डिप्लॉयड होगी, इसकी संख्या अप्लाइड होगी, दोनों क्या करेंगे स्काई में फ्लाइंग करेंगे, उड़ेंगे, उड़ते समय क्या करेगा, इसके स्पर्म्स को ये रिसीव कर लेगी, इसके स्पर्म्स को जब रिसीव कर लेती है, रिसीव करने के बाद अंदर क्या करती है, इसके अंदर स्पेशली क्या करता है, एक स्पर्म शिथिका होती है, वो स्पर्म्स को वहां पे कह लो कि थैली होती है, एक चेम्बर होता है, उसको रख लेती है, और जीवन पर्यंत, ध्यान दीजिएगा, पूरे लाइफ टाइम तक,
वो उसी स्पर्म से अपने जो एग्स होते हैं उसको वो फर्टिलाइज करती रहती हैं। ठीक, तो ये रहा इसका। और ये लास्ट में डेड बॉडी मिल जाएगी जिसको वर्कर्स क्या करेंगे, हटा देंगे और क्यून अपने अंडे को देने के लिए दूसरे चेंबर में पहुंच जाएंगी। ठीक, दूसरा देखो टॉपिक क्या कह रहा है। दूसरा टॉपिक कह रहा है कि इग एंड इगलिंग, इग एंड इगलिंग, ये लेइंग की बात करता है कि लेइंग क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टू टाइप्स। दूसरा हेडिंग, दूसरे हेडिंग में हमने इग लेइंग की बात किया कि अंडे क्या है। तो अंडे इनके टू टाइप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो इनके इग होते हैं वो टू टाइप्स या टू कैटेगरी होते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है वो कहता है फर्टिलाइजिंग, कि फर्टिलाइज इग क्या है, निषेचित अंडे। तो फर्टिलाइज इग के बारे में बात करेगा, तो फर्टिलाइज इग की क्या बात, वही हमारा डिप्लॉयड टू एन के फॉर्म में जो हमारा इग होगा, ये सॉरी जैसे देखो ये सब कुछ मेरा क्या है, एक इग है, ये कैसा होगा, ये आपका डिप्लॉयड होगा। ठीक, डिप्लॉयड होगा, जब डिप्लॉयड इग हो दे, जब निषेचित होगा तो उसे क्या करेगा, उसे ड्रोन, ड्रोन का निर्माण ना हो, मतलब ड्रोन का निर्माण नहीं होता, बस क्यून और वर्कर्स का निर्माण होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यून्स की बात कर रहा है और यहाँ पे वर्कर्स की बात कर रहा है, तो ये दोनों आपके डिप्लॉयड इग से फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं। लेकिन वही जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो अनफर्टिलाइज की बात करता है, जब अनफर्टिलाइज की बात करेगा इग की, तो वहां पे हम ड्रोन का निर्माण करेगा या फिर उसे ड्रोन का निर्माण होता है। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड के जगह हैप्लॉयड होते हैं। ठीक, ये रहा तीसरी बात करता है कि तीसरे पॉइंट में क्या देखना हमको। तीसरे पॉइंट में कहता है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट सेक्शन, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका कास्ट सेक्शन कैसा होता है, इसके बारे में बात करना है। तो कास्ट सेक्शन की बात करेंगे कि कैसे कास्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। ठीक, तो कास्ट सेक्शन में जरा ध्यान दीजिएगा, आप तीसरा हेडिंग क्या डाले हैं, डेवलपमेंट, क्या डाले हैं, डेवलपमेंट एंड कास्ट सेक्शन। ठीक, तो कास्ट सेक्शन में आप चलते हैं, इसको देखते हैं कि कास्ट सेक्शन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब अंडे बन जाते हैं, तो दो तीन दिन बाद, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्री डेज दिखा गया, थ्री डेज बाद ये क्या करते हैं, अपने बॉडी मतलब जो अंडे होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं, उसके कवर को, एक के कवर को ये क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद एक लार्वा कंडीशन रहता है, जब इसका मल्टिंग होती है, ठीक, क्या होती है, मोल्टिंग, मोल्टिंग जब होती है तो मोल्टिंग से वो प्यूपा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। जब जैसे ही प्यूपा में बदलता है तो ये स्पेशली प्यूपा में बदलने के बाद ये थोड़ा एक्टिविटी दिखाते हैं कि ये कैकून की तरह, जैसे मेम्बेक्स मोराई हमने देखा था, मेम्बेक्स मोरी में कैकून बनता है, तो कैकून में या कुकेन बनता है, तो कुकेन का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे इसमें, इसमें पैर ना ही उसके लेग्स और ना ही उसके जो आईज है वो डेवलप होते हैं, ना ही उनके जो प्रोबोसिस है वो भी डेवलप नहीं होता। जब ये दोनों स्टूडेंट डेवलप नहीं होते तो वो जो ये अवस्था होता है, इस अवस्था को हम ग्रीप कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीप कहते हैं। ठीक, अब ग्रीप हो गया, अब बात करते हैं कि इन तीनों, ये जो हमारे स्पेशली चार टाइप्स हैं, ये दोनों, इन दोनों की बात करता है कि ये जैसे प्यूपा से क्या बना, हमारा ग्रीप बना। तो ग्रीप का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस क्या करता है, ये जो वर्कर्स होती है ये क्या करती है, इनको पूरा का पूरा फूड मटेरियल प्रोवाइड कराती है, कि उनको फूड मटेरियल कौन कौन सा चाहिए और कैसे उनका पूरा लाइफ कंट्रोल हो सके या चल सके। तो वर्कर्स इसको क्या करेगी, फूड मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। तो फूड के रूप में इनके टू टाइप्स के फूड दिए जाते हैं, ऐसे तीनों, क्यून के लिए अलग और ड्रोन के लिए अलग, और हमारा जो वर्कर्स है इनके लिए अलग फूड मटेरियल देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्यून की, कि क्यून का कौन, क्यून को कौन सा, ये जो रानी मक्खी है इनको कौन सा स्पेशली जो हमारा क्या है फूड मटेरियल है वो कौन सा प्रोवाइड करता है। देखो ये क्या करता है, डाइजेस्ट मटेरियल, डाइजेस्ट पचे हुए भोज्य पदार्थ, उसके साथ ये क्या करते हैं, उसके साथ ये हनी लगाते हैं, हनी के साथ पॉलिन ग्रहण होता है। ये दो दिन, शुरू के दो दिन या प्रारंभ के जो हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के टू डेज, क्या कहता है, टू डेज में ये इनको और इनको और इनको, ये तीनों को लगातार दो दिन तक प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन उसके बाद ये स्पेशली इनको प्रोवाइड करा जाता है, उसके बाद ये जो डाइजेस्ट, ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा इनमें, इनमें डाइजेस्ट फूड मटेरियल, आपकी हनी और स्पेशली सलाइबरी, ठीक, सलाइबर रहेगा, ठीक, सलाइबा के साथ ये इनको क्या करेगा, इनको दिया जाता है और पॉलन ग्रीन भी उसमें सम्मिलित रहेगा या मिला रहेगा। और उसके बाद करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन में क्या करता है, ड्रोन को थोड़ा कम भोजन दिया जाता है या फिर इनको जो मटेरियल होता है फूड मटेरियल थोड़ा कम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें प्रोवाइड में क्या रहता है इनके लिए, इनके दो दिन के बाद या टू डेज के बाद ये क्या करते हैं, स्पेशली शहद मतलब हनी दिया जाता है, बस हनी के साथ थोड़ा पॉलन ग्रेन दे दिया गया तो ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे इनके लिए,
जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, इनके थोड़े हाथ पैर ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक। तो हाथ पैर मजबूत होते हैं क्योंकि इनको काम करना आगे वर्किंग करना है इनके, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हनी और उसके साथ पॉलन ग्रेन प्रोवाइड कराए जाते हैं कि ये ज्यादा डेवलप हो सके, क्योंकि सारे कार बार इन्हीं को संभालना है, ठीक। तो ये हुआ प्रोसेस कि कैसे इनको फूड मटेरियल दिया जाता है। आगे बात करेंगे जो इनका ये प्रोसेस है, इनके प्रोसेस में तीन टाइप्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, मतलब त्वक पतन करते हैं। त्वक पतन करते करते ये कैकून के समान बाहर निकल जाते हैं और इनके टोपी को, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन आते समय इनके टोपी को निकाल देता है, मतलब इनके जो लास्ट में ये चैम्बर लगा है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये जैसे है ना यहाँ से पूरा इतना, इसको हम क्या करेंगे, इस पे भी रहा होगा लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक, इसको हटा दिया गया। लेकिन जब हम इसके बात करेंगे कि जो हमारा क्यून होती है उसकी फेवरेबल कंडीशन में जो हमारा होता है वो 15 डेज, मतलब 15 डेज लगाता है, 15 डेज के बाद हमारा जो सेल होता है, सेल से क्यून मक्खियां या क्यून भी बाहर की ओर निकल जाती हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स इसके बाहर निकलते हैं, वर्कर्स जब इसके बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, कुल 18 डेज की बात करता है कि 18 डेज लेंगे इधर। उसके बाद हमारा पढ़ते हैं ड्रोन के बाद कि ड्रोन क्या करता है, 21 डेज लगता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो दिन लग रहे हैं ना, ये डेज जो लग रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पे और इनके बीच 6 दिन का अंतर है, और इनके इनके बीच 3 दिन का अंतर है, या इनके इनके बीच आपका 3 दिन का अंतर, ये अंतर है क्या, ये यही दिखाता है कि डेवलपमेंट और कास्ट सिस्टम के बारे में, कि हमने जैसे जैसे फूड मटेरियल प्रोवाइड कराया था, जैसे जैसे फूड मटेरियल प्रोवाइड करा था, इनको थोड़ा अच्छा वाला फूड मटेरियल दिया गया, ये जल्दी डेवलप हो गए, ठीक, और उनमें सारे ऑर्गन सही तरीके से डेवलप है। लेकिन इनमें क्या किया गया, इनमें आपके ज्यादा ज्यादा फूड मटेरियल दिया गया लेकिन उनसे पौष्टिकता में कम दिया गया, मतलब न्यूट्रिशन न्यूट्रेट में कम दिया गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा है। उसके बाद इनको थोड़ा ज्यादा कम दिया गया इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा है, ठीक, ये रहा। तो देखो अब ये तो हो गया इसके लाइफ साइकिल की कि ऐसे ऐसे बनते हैं। अब एक लास्ट वाली पॉइंट और आती है कि लास्ट पॉइंट में जो हमारी श्रमिक मक्खियां होती हैं वो शरद ऋतु के समय क्या करती हैं, जैसे इन सबको निकाल के बाहर निकालती हैं और हमारे जो छत्ते होते हैं वो थोड़े खाली हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे ही बसंत ऋतु आएगा फिर ये अपना काम पुनः सक्रिय हो जाते हैं और सारे एक्टिविटी को दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।